हम यहाँ उतर गए ऋषिकेश। प्रियंका मेरे पीछे खड़ी। यहाँ तो कोई साधन नहीं है, बस जो टैक्सी खड़ी ऐसी टैक्सी जावे। बड़ी दिक्कत है। कितनी देर होगी खड़े खड़े? आध घंटा हो गया। मैं आध घंटा तो हो गया नीलकंठ के लिए। अब यह जाके 200-250 रुपए किराया किराए गए। यहाँ पे जाएंगे नीलकंठ, उसमें भी लगा कम से कम 40 मिनट तो एक घंटा लग ही जा रहा है, क्योंकि 30-35 किलोमीटर है और थोड़ा स्लो भी चले। अब देखते हैं महादेव बुलाते हैं नहीं बुलाते। आए तो महादेव का दर्शन करने ही है। भाई यहाँ अपने अपने वाहन में आओ तो सब कुछ बढ़िया। और वैसे हम इतने पैसे जितने हमारे किराए किराए में लग गए ना, हम खुद की गाड़ी करके आते ना तो 100 जगह अच्छे थे। हाँ आराम तो बैठ के भी आते। कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं, सामान की कोई टेंशन नहीं। इतने तो यहाँ 1500 रुपए तो रेंट के, कोई कमरा पमरा ले दो। अब फिर किराए के बहुत पैसे लगे यहाँ तो भाई। दवा बड़ी मुश्किल था, इस गाड़ी में बैठ गए हम तीनों आकर और कुछ सवारी खड़ी पीछे। एक संघ की फैमिली आई, उसमें एक बंदा इतना डेंजर है, बहुत ज्यादा संघ की। अभी भी वो वहीं खड़ा भी चलने का नाम नहीं। हाँ वो सोच रहा कि ओला उबर हो जाएगी, अंत होती कुछ नहीं। या तो अपना वाहन लेकर आओ या इनका इंतजार करो। सब तो बढ़िया, इतना किराया तो तुम वैसे लगा दो, अपना वाहन करके आओ। ये कैसे दिए? 60 रुपए का, 60 रुपए का।
चढ़ जाएगी ना ऊपर। हम पहुंच गए भाई नीलकंठ मंदिर के आसपास, पर हमें 1.5 घंटा लगा आने में। और जब खाई के बराबर में जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी, डर ऐसा लगा था कहीं गिर ना जाए, पर नहीं, एक्सपीरियंस रहा ना, बड़ी तेज गाड़ी चलाया भाई। देखोगे तो बस बज गई बज गई। पहले यहाँ को जाना, तो 3 नंबर बताया, यहाँ लाइन लगेगी। भाई हमने कर लिए दर्शन नीलकंठ महादेव के, यहाँ लाइन में लगना बस श्री माता दुर्गा गाड़ी में। प्रसाद नहीं जल खो गया जाओ मेरे गए बाबा सारे मर्जी झूठे आप निकाल लो ना उसपे निकलवाओगी अब थोड़ी हम शॉपिंग कर ले भाई। फिरिंग का कुछ कुछ सामान ढूंढ रही, कुछ मिल जा काम की चीज या लो पूजा उजा करो तो घंटी सही है बजाने में। हाँ दो लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल को छोड़ दे पहले, मुझे नर्मदा नदी का शिवलिंग है। ये नर्मदा का है, पता कैसे चलेगा पक्का नर्मदा का है? ये पत्थर है ना नर्मदा का, नहीं तो पता कैसे चलता है नर्मदा का? नर्मदा में ऐसे पत्थर निकलते हैं, हल्की अलग चीज होती है। सर्च करो इसमें पता लग जाएगा कैसा पत्थर होता है नर्मदा में। क्या पैसे का है? नहीं ये शिवलिंग वो करके देंगे ना बना के पूरा केयरफुल नहीं करते हैं आप गिरा जाओगे कुछ। मेरे फोन में सर्च करिए तो मम्मी ने बोला तो मम्मी को कुछ नहीं कहा। 750 का पड़ेगा सही बताओ भैया, आप तो ज्यादा ही महंगा बता रहे, तो हल्का भी बोल रहे 300 का बता रहे।
पापा यहाँ पे वहाँ दूर। ये तो सूखी पड़ी है, छोटी सी कह रही हूँ मैं, क्यों बोल रही है? कहाँ गई तू? ये है चिटी। है नहीं के कहाँ है? भाई प्रसाद चढ़ा जाए, नीलकंठम चल रहे हो गाड़ी में। और ये अपने पूजा का सामान लाया हम थाली भर के। 250 रुपए किराया का आदमी का आना जाना, 250 रुपए में आना जाना, ठीक लगा? सही है, आराम से आओ बैठ के, ना पैदल चलना ना कुछ, बस ये 500-700 किलोमीटर पैदल चलना बस, बाकी कुछ नहीं। स्थान पर रखें जहाँ से आपने आरती उठाई थी, कपड़े के ऊपर आरती मत रखिएगा, और सभी लोग मौली बनवाएं, टीका लगवाएं, प्रसाद जरूर ग्रहण करके जाएं। जिनको भी आरती का फोटो आपके सहयोग राशि से दूसरे को भी आनंद मिले, ऐसा जो भी आपकी मनोरथ है आज माँ गंगा से मांग लीजिए। दिक्कत आ गया मुझे।